नाइन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, डिस्क्राइब द लेजेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्क्राइब करना है, इस क्वेश्चन में हमें डिस्क्राइब करना है क्या इफेक्ट्स पड़े जो कंट्री थी जिधर रिवॉल्यूशन हुआ, क्या इफेक्ट्स पड़े, क्या हुआ 19th सेंचुरी के बाद, क्या बाहर देश में हुआ, क्या 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 चीज़ हुई उधर, क्या हुआ, क्या 20th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी के बाद क्या क्या चेंज आए हमारे सोसाइटी में, वो सब बताना है। तो देखो और क्या है, बहुत अलग अलग पीपल के सोच, जो अलग अलग लोगों के जो सोच थे, जैसे राजा राममोहन राय और बहुत सारे लोग जो सोचे थे, अलग अलग सोच उनकी जो थी, वो सब हमें बताना है। तो फिर आंसर हमारा ऐसे स्टार्ट होगा, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पहले लाइन में बता दी गई है कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी राइट्स, ये जो दो चीज़ थी वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब अभी फिलहाल तो देखो सारे कंट्री है, मोस्ट ऑफ द कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेसी लिबर्टी, मतलब सारे राइट्स फॉलो होते हैं। तो यही देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ये पूरा यूरोप में फैला, अलग अलग जगह पे फैला था। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, दी स्प्रेड्स फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। देखो अभी जो मैंने लाइन बोली वही इधर रिपीट हो गई है, क्या हुआ, स्प्रेड हुआ अलग अलग जगह से, फ्रांस से यूरोप 19th सेंचुरी के बाद अलग अलग जगह पे, अभी तो हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग जगह पे अप्लाई हुआ है। कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन टू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सोवियन नेशनल स्टेट। तो देखो कॉलोनाइज पीपल रिवर्क इन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, मतलब क्या हो गया, जो अलग अलग लोग ने क्या किया, अपने सोच रखे सामने और अपना आइडिया दिया, और मतलब खुद बताया कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमको होगा। उसकी वजह से देखो क्या हुआ, सबके दिमाग में ऐसे मोटिवेशन टाइप भरने लगा, उन लोग ने क्या कर दिया, एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, देखो अपनी सोसाइटी, जो उनकी कंट्री है, स्टेट है, उनको क्या बनाना है, एकदम प्रॉपर, एकदम ऐसे पूरा, कोई ऐसे ऊपर नीचे कोई रहे नहीं। जैसे देखो अभी 3 स्टेट्स थे, ऊपर नीचे थे, कोई देखो 3rd स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था, तो उन लोगों ने क्या क्या चीज़ हटाई, वुमन को क्या राइट्स मिली, वो सब बताया गया है। फोर्थ में देखो, टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन रॉय आर द टू इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्ड द आइडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशन फ्रांस। तो वही देखो, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इन लोग ने भी क्या किया था, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें लाए थे, मतलब देखो इन लोग ने भी चेंज लाए थे सोसाइटी में, तो इनका एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। तो ये क्या है, ये सब आइडिया क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई थी। तो यही था हमारा क्वेश्चन।